खबर हरियाणा से है। हरियाणा की केमिकल फैक्ट्री में आज जबरदस्त आग लग गई। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, आग अभी भी फैलती ही जा रही है। आग बुझाने के लिए दिल्ली की फायर ब्रिगेड की टीमों को भी रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में आज शाम करीब 7:30 बजे आग की लपटें उठना शुरू हुई। आग कैसे लगी, हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन आग की लपटें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि उन पर काबू पाने के लिए सोनीपत में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही कम पड़ गई। फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ, आग की लपटें और तेजी से फैलने लगी। हरियाणा सरकार ने दिल्ली फायर ब्रिगेड से मदद मांगी है। दिल्ली फायर ब्रिगेड की कई टीमें इस रेस्क्यू में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कई मजदूर मौजूद थे। राहत की बात यह कि आग की लपटें फैलने से पहले ही सभी कर्मचारी वक्त रहते बाहर आ गए। फिलहाल आग को बुझाने का काम अभी युद्ध स्तर पर जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।